अगली खबर रीवा जिले से है, जहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार, कुशासन, महंगाई, बेरोजगारी से आम जनमानस को त्रस्त बताते हुए कांग्रेस परिवर्तन संकल्प यात्रा का शुभारंभ 26 जुलाई से करने जा रही है। यह कार्यक्रम जामुई स्थित शहीद स्मारक से शुरू होगा। आयोजकों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सूबे में रोजगार की संभावनाओं को दरकिनार करते हुए आउटसोर्स के माध्यम से युवाओं का शोषण किया है। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह बढ़ते हुए अपराध, सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी का आलम व भ्रष्टाचार से जनता तबाह व बर्बाद हो रही है, तथा आवारा मवेशियों एवं भारी भरकम बिजली बिल, बिजली कटौती से किसान बदहाली का जीवन जीने को मजबूर है। सिरमौर क्षेत्र में किसानों की खराब स्थिति और रोजगार के अवसर न होने से युवा और नौजवान पलायन कर दर दर की ठोकरी खा रहा है। आपको सुनाते हैं आयोजित सिरमौर परिवर्तन संकल्प यात्रा के संबंध में इस यात्रा का नेतृत्व सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में करने वाले कांग्रेसी नेता गिरजेश कुमार पांडे ने क्या जानकारी दी। तैयारी में कांग्रेस तो करेगी ही, इसमें कांग्रेस तो तमाम उनके फेलियर को लेके जा ही रही है, लेकिन जनता को ये समझ में आ गया है। जनता को जिस तरह से बरगलाया गया, जिस तरह से जनता को गलत कंटेंट लाके और जनता को भ्रम में रख के और जिस तरह से जनता को जनता से मत लिया गया है, वो उसको जनता ने समझ लिया है। और ये लैंड का एक्विजिशन हुआ, किसानों के हाथ से ज़मीन चली गई और वो ज़मीन कॉरपोरेट के हाथ चली गई, वहाँ पर उद्योग भी नहीं लगा। और उद्योग लगाने के लिए ये ठंडे बस्ते में तब आया जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार भी आई और दुर्भाग्य से सिरमौर में भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी भी आ गए। उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि किसानों की ज़मीन चली गई कॉरपोरेट के हाथ में, किसान को उसका लाभ, वहाँ के स्थानीय लोगों को उसका लाभ इंडस्ट्री स्थापित होने से मिल जाए, बेरोजगार लोगों को रोज़गार मिल जाए और ये क्षेत्र उन्नत हो जाए, इसके लिए उन्होंने नहीं चिंता की। तो एक तो ये अनुत्तरित सवाल सामने है ही, और दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे डभौरा का जो अंचल है वो बेहद रिच अंचल है। हमारे यहाँ रेलवे की कनेक्टिविटी प्रॉपर है, हमारे पास पानी की कमी नहीं है, टमस से पानी हमारा बहता जा रहा है उत्तर प्रदेश को, हमारे पास जल जमीन की कमी नहीं है, हमारे पास सिलिका सैंड का अकूत भंडार है, हम उसका दोहन कर सकते हैं, उचित दोहन करके इंडस्ट्री लगा के बेरोजगारों को रोज़गार दे सकते हैं। तो चाहे वो लैंड एक्विजिशन का मामला हो, चाहे इंडस्ट्री डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे गड़ार संतलीकरण का मामला हो, हमारे यहाँ की हजारों हेक्टेयर ज़मीन कोनीगढ़, अरह, देवघर, चांद, रौली, कुरैली और उसके बाद आप चले आइए भनगमा जनकहाई की ज़मीन उबड़ खाबड़ है और वो गड़ार के रूप में तब्दील है। अगर हम उसका संतलीकरण कर दें तो हमारे यहाँ के किसान की किसानी में जो श्रम लग रहा है वो श्रम कम होगा और उसको फ़ायदा होगा, फ़ायदा होने के साथ साथ उसके बच्चों को बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी, रोजगार के साधन सृजन होंगे और निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र विकसित होगा। हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र पर्यटन का भी हब हो सकता है। हमारे क्षेत्र में केवटी, घिनौची, चचाई जैसे जलप्रपात हैं जिनका एक कॉरिडोर है, अगर उसको विकसित करके और उसको विकसित कर दिया जाए तो वो ऐतिहासिक स्वरूप तो लेगा ही, देश के अंदर वो एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा और उसके साथ साथ उस क्षेत्र में एक रोजगार की बड़ी संभावना होगी, सैलानियों का आना होगा। तो तमाम तरह की संभावनाएं हैं, इच्छा शक्ति की कमी है, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई रचनात्मक और ऐसे कार्य नहीं किया जिससे हमारे क्षेत्र की बेरोजगारी का समाधान हो, हमारे क्षेत्र की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। और जब भी हमारे सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से सिरमौर के विधायक निर्वाचित होके जाएंगे तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि ये सारी चीज़ें जमीन पे आए। लगभग 6-7 सीटें जीत के आ रही हैं। एक सीट मतलब दे रहे हैं? नहीं, हम दे नहीं रहे हैं, हम उसमें भी संघर्ष कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बताइए, सिरमौर में सालों हो गए उस बात को, वीडियो कॉल प्लांट एस्टेब्लिश करेगा, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित है, उस पर उससे आम जनमानस, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा व्यापक रूप से परेशान है। उनकी परेशानी को निजात देने के लिए अपन यूथ कांग्रेस सिरमौर विधानसभा के द्वारा सिरमौर में परिवर्तन संकल्प यात्रा का पूरे विधानसभा पर आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 27/7/2023 को ग्राम जामू से कमलेश कुमार पाठक के स्मारक पर जाकर वहां माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुरुआत किया जाएगा
और इसके बाद देवी मंदिर पर कार्यक्रम का समापन किया जाएगा।